फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल उपाय, राशि अनुसार ही आपका लकी नंबर और लकी कलर भी, पंचांग बताएंगे, दिशाशूल की जानकारी देंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को क्यों मैं दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है बुधवार का, तारीख है 27 सितंबर 2023, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी पर चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 7, लकी कलर रहेगा ग्रे, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट, राहु काल रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का, रवि योग रहेगा सुबह 7:10 से लेकर शाम में 7:07 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:06 से लेकर शाम को 7:24 तक। विशेष क्या है, बुध प्रदोष है, देवाधिदेव महादेव का विशेष दिन है और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी बुध प्रदोष से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको कैसे भगवान शंकर की कृपा से काम काज से अड़चने दूर होंगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखेगा। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें, अगर यात्रा करना जरूरी हो तो मिश्री खाकर यात्रा करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों, कोई खास सूचना मिलेगी, मनचाही नौकरी के लिए कड़े प्रयास करेंगे, भाषा पर काबू रखें, जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, उपाय ये करें कि बरगद के नीचे तेल का दीपक करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। दूसरे राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, मेहनत के अनुपात कारोबारी लाभ कुछ कम होगा, शत्रुओं से सतर्क रहें, बनते हुए काम बिगड़ने के योग हैं, सूझबूझ से लाभ होगा, आर्थिक निवेश से लाभ के योग हैं, उपाय ये करें कि हरे मूंग के दाने तिजोरी में रखें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे, घरेलू कामकाज में भागदौड़ रहेगी, सफलता से आत्मबल बढ़ेगा, निवेश से बड़े लाभ के योग हैं, संतान के कारण चिंता रहेगी, दफ्तर में प्रसन्न रहेंगे, उपाय ये करें कि मिश्री का सेवन करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, रोजगार के प्रयास सफल रहेंगे, पुराने आर्थिक मामले सुलझेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, समाज में प्रशंसा मिलेगी, कारोबार में बड़ा लाभ होगा, उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को हरी सब्जी दान करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, खर्चों में वृद्धि के कारण तनाव में रहेंगे, छात्रों की पढ़ाई में बाधा आएगी, क्रोध पर काबू रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, सतर्क रहें, दुर्घटना के भी योग हैं, उपाय ये करें कि जेब में हरे रंग का पेन रखें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, जीवन साथी से मतभेद के योग हैं, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कारोबारी प्रयास सफल रहेंगे, पुराने विवाद जो हैं वो कुछ परेशान करेंगे, खर्चों को अपने काबू में रखें, उपाय ये करें कि कलाई पर हरा धागा बांधें, शुभंक 3 रहेगा, शुभरंग रहेगा पीला। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, ज़्यादा थकान रहेगी, व्यापार में नई योजनाएं बनाएंगे, कामकाज की तकनीक सुधारेंगे, कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करेंगे, वाहन से सुख प्राप्त होगा, उपाय ये करें कि किसी धर्मस्थल में मिश्री चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, कामकाज में बाधा आएगी, माता पिता की सेहत पर ध्यान दें, नेत्र रोग परेशान करेंगे, धर्म कर्मों में रुचि रहेगी, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, उपाय ये करें कि गाय को हरी घास खिलाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। नवीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, संतान के विवाह की चिंता रहेगी, खास कामकाज की रूपरेखा बनाएंगे, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, कामकाज में प्रशंसा मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, उपाय ये करें कि जेब में 5 रुपये का सिक्का रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, दाम्पत्य में विवाद के योग हैं, दफ्तर में सहकर्मी विरोध करेंगे, विवादों से दूर रहें, कारोबार में लोग सहयोग देंगे, संतान से खुशखबरी मिलेगी, उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर सूखा धनिया चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, सेहत पर थोड़ा ध्यान दें, संपत्ति के काम में लाभ होगा, संतान के कारण चिंतित रहेंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी, कुमारों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे, उपाय ये करें कि किसी पेड़ पर सूखा धनिया के दाने चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, अपने क्रोध पर काबू रखें, पिता से मतभेद मिटेंगे, नए कारोबारी निवेश में सतर्क रहें, दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, उपाय ये करें कि दैनिक पूजा पाठ में घी का दीपक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तो दोस्तों, अब समय है आज ये जानने का कि सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए सभी राशि वाले क्या करें। तो देखिए,
शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाएं, किसी गरीब कन्या को हरे फल दान करें, गणपति पर बिल्व पत्र चढ़ाएं, कांसा कांच मिश्री खरीदना शुभ रहेगा, कदम्ब का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए सभी राशि वाले क्या ना करें। तो देखिए, उदास ना रहें, नेगेटिव ना सोचें, बच्चों की अनदेखी ना करें, नारंगी रंग के कपड़े ना पहनें, चमड़े से बनी चीज़ें ना खरीदें, मांसाहार और मद्यपान ना करें, बैंगन का दान और उपयोग ना करें, झूठ ना बोलें, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। तो देखिए दोस्तों, अब समय है आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो काम काज से सारी अड़चनों को दूर कर देगा। देखिए, खास दिन है भाद्रपद का, बुद्ध प्रदोष है, देवादिदेव महादेव का विशेष दिन है, ऐसे में शिवलिंग के पूजन का विधान है। तो क्या करें, आप शिवलिंग का पूजन करें और काम काज से अड़चनें दूर करने के लिए शिवलिंग पर मिश्री के जल से अभिषेक करें और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम बाण हस्ताय नमः। आश्वस्त करता हूँ काम काज से अड़चनें निश्चित दूर होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।